भूतिया ट्रेन घर में चुड़ैल दुल्हनों का स्वागत। अरे मेरे भूतिया बच्चों, कब लाओगे मेरी चुड़ैल दुल्हन बहू? मैं कब से उनका स्वागत करने के लिए दरवाजा ताक रही हूँ। बस माँ, अभी आने ही वाले हैं। थोड़ी देर में चुड़ैल सुजाता के भूतिया बेटे चुड़ैल बहुएं लेकर घर आ जाते हैं। अरे वाह, आखिर मेरी तीन तीन चुड़ैल बहुएं आ ही गई। और ये क्या, तुम्हारे बाल इतने अच्छे से क्यों बंधे हुए हैं? तुम्हारी लिपस्टिक क्यों नहीं फैली हुई? और लहंगा भी इतना महंगा पहना है। अरे तुम चुड़ैल बहुए हो, चुड़ैल बहुए, पता है ना चुड़ैल कितनी बदसूरत सी दिखती है। खराब सा मेकअप, हरी पीली शक्ल, उजड़े चमन बाल, लंबे नाखून। ओफो माँ जी, अब आपको क्या बताए, हम भूतिया दुनिया में शॉपिंग करने गए थे, वहाँ की एक भी चुड़ैल हमें डरावना बनाना ही नहीं चाहती थी। हाँ, कान खजूरी जैसी चुड़ैल माँ जी, भूतों का कंकाल से बना हुआ लहंगा लेने गए तो वो भी नहीं मिला। ये तो कुछ भी नहीं माँ जी, हमने सोचा था हड्डियों की ज्वेलरी बनाकर पहनेंगी, लेकिन हमारी शादी के लिए वो भी सेटअप नहीं हुआ और ना खून वाली लिपस्टिक मिली, इसीलिए मजबूरन हम तीनों चुड़ैलों को इंसानों की दुनिया में जाकर ये सारा काम करवाना पड़ा। वहाँ की चुड़ैलों ने हमें बहुत अच्छा सजा दिया। हम तो चाहते थे कि बहुत गंदी बनकर आए ताकि हमारे पति देखकर ही हमें चार चाटे मारे, पर ऐसा हुआ ही नहीं। इंसानों की तरह मेकअप, कपड़े और हेयर स्टाइल करवाना पड़ गया। देखिए ना, हमारे बाल कंजर जैसे दिख ही नहीं रहे। ये तो है। सच बोलूं तो श्रेया चुड़ैल, मैं चाहता था मेरी चुड़ैल दुल्हन इतनी ज्यादा अलग हो कि उसकी शक्ल देखते ही मुझे उल्टी आ जाए। तुम्हारे पास आते ही मुझे जुराब की गंदी बदबू आई, लेकिन तुमने सबसे गंदी चुड़ैल दुल्हन बनने का मेरा सपना तोड़ दिया। अब मैं अपने भूतिया दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि तुम्हारी भाभी इंसान की दुनिया से सुंदर सी तैयार होकर आई है। अब बेटा जो हो गया सो हो गया, आओ मैं तुम्हारा अच्छे से स्वागत कर देती हूँ। बहू इस काली थाली में अपने पैर भिगोकर उल्टे पैर के छापे लगा दो, जिससे इस घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता आए, नई नई आत्माओं से दोस्ती हो और चूहा बिल्ली आकर घर को गंदा मचा दे। माँ जी बस इतनी सी बात, आप देखना इससे भी ज्यादा आपका घर नाले के पानी की तरह महकने लगेगा। आफ्टर ऑल वो चुड़ैल दुल्हन बहू ही कैसी जो घर को सदा करना रखे सफाई का। हम जैसी चुड़ैल दुल्हनों से लेना देना कोई नहीं है। हाय, मैं तो फारी जावा, मेरी चुड़ैल पत्नी कितनी अकलमंद है। अरे मेरे भूतिया बेटो, जरा मेरी चुड़ैल दुल्हनों का स्वागत तो करो। अरे थोड़े ठुमके ही लगा दो। ठीक है, हमारी चुड़ैल अम्मा, हम कर रहे हैं। वेलकम एवरीबॉडी, कम ऑन, वेलकम वेलकम टू द पार्टी, कम वेलकम वेलकम, इज अनदर गर्ल फॉर एवरीवन, वेलकम वेलकम। अरे मस्ती का मौका है, क्यों खुद को रोका है, डोंट यू रियली कम वेलकम। तीनों चुड़ैल दुल्हन बहू को अपने सास और पति का डांस इतना अच्छा लगता है कि वो अपने पतियों को गोद में उठा लेती हैं। ओहो, अरे वाह अरे वाह, मजा ही आ गया, आप सब लोगों ने बढ़िया मजरा किया है। हाँ सासू माँ, बस आपके पैरों में डरावने घुंघरों की कमी थी। देखा मेरे भूतिया बेटे, मैंने तुम्हारी दुल्हनों का कितने अच्छे से स्वागत किया है। ये तो है माँ, लेकिन अब बहुत नींद आ रही है, सो जाइए ना, कल दो चुड़ैल आत्माओं से मीटिंग के लिए भी जाना है, अगर बात नहीं की तो ताजा खून भी नहीं देंगी। ये बात सुनते ही भुवन की पत्नी के मुंह से लार टपकने लगती है। ताजा खून, डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका, ओ सच्ची में कल मेरे लिए ताजा खून लाओगे ना? अरे हाँ बाबा, सिर्फ तुम नहीं, हम सब लोग कल मजे से ताजा खून पिएंगे, वो भी नींबू डालकर। वो क्या है ना, आजकल बहुत गर्मी है तो हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ बेटा, ये तो तूने बिल्कुल ठीक बोला, चले जाओ सब बच्चे, अब सो जाओ। सुजाता के तीनों भूतिया बहू बेटे सोने चले जाते हैं। अगले दिन वो सुशील चुड़ैल बहू की तरह अपनी पहली रसोई का खाना तैयार करती है तो खाना बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। अरे वो सड़ियल श्रेया जेठानी जी, मुझे माँ जी के लिए आलू के पराठे बनाने हैं, जरा साइड हो जाओ। ए सड़ियल, किसको बोली, मैं बहुत अच्छी हूँ समझी ना, और माँ जी आलू के पराठे से इम्प्रेस नहीं होंगी, मैं तो उनके लिए खास चमकादड़ से बनी हुई रसमलाई बना रही हूँ, उन्हें बहुत पसंद है। तुझे हटाना है तो इस शोभा की बच्ची का आम हटा दे यहाँ से। अरे क्यों क्यों चुड़ैल जेठानी जी, अपनी हद में रहो, अगर तुम यहाँ की नई दुल्हन हो तो मैं भी हूँ, मुझे भी माँ जी को इम्प्रेस करना है। अच्छा तू मेरे को क्या सिखाएगी, मैं तुझे अभी बताती हूँ।
तीनों नई चुड़ैल दुल्हन रसोई की करछी, बेलन, प्लेट लेकर एक दूसरे पर लड़ने लगती हैं कि एक प्लेट सास के सिर पर लगती है और वो धड़ाम जमीन पर गिर जाती है। अरे राम रे, मर गई मैं। तुम तीनों यहाँ पर क्या भसड़ कर रही हो? तुम्हारी चिक चिक नोक झोंक खटपट साजिशों से मैं तंग आ चुकी हूँ। अब तो तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी। सॉरी माँ जी, जी इतनी तेज की प्लेट लगने के बाद भी आपकी याददाश्त नहीं गई। कोई हमें बचाओ। कोई नहीं बच सकता मुझसे। सुजाता अपनी तीनों बहू के पीछे भागती है कि तीनों चुड़ैल बहुएं भी सास से बचने के लिए रसोई से बाहर आ जाती हैं और फिर चारों चूहा बिल्ली की तरह एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। चुड़ैल सास अपनी शक्ति से दो बहू को तो हवा में लटका लेती है। एक बचकर भाग रही होती है, इतने में भूतिया मकान मालिक आ जाता है और सास के जादू से वो हवा में लटक जाता है। अरे एक तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर वार्निंग देने आया था, तुमने मुझे पहले ही लटका दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं चुड़ैल, कुछ हो जाता तो। वैसे भी तेरे बेटों ने अभी तक मुझे इस घर का बकाया नहीं किराया दिया। बेहतर होगा चुपचाप इस घर से निकल जाओ, वरना मैं ऐसे तांत्रिक लोगों को बुलाऊंगा कि भूतिया दुनिया से ही वो तुम्हें गायब कर देंगे। अरे मकान मालिक जी, हमें थोड़ा सा और मौका दे दीजिए, मेरे बेटे काम पर ही गए हैं। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तांत्रिक को कॉल करके बुलाना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, हम जा रहे हैं इस घर से। इन चुड़ैलों की शादी करवाते करवाते इस घर का किराया देना ही भूल गई। अब भूख तो तुम दुल्हनों की वजह से हुआ है ये सब। माँ जी, अब हमें दोष देने से कुछ नहीं होगा, हमें उतारिए, हवा में लटका रखा है। और मुझे भी उतारो। तभी चुड़ैल सास अपने जादू से उन सबको नीचे उतार देती है, फिर मकान मालिक उन्हें घर से बाहर कर देता है। मजबूरन चुड़ैल सास बहू को घर खाली करके जाना पड़ता है। रास्ते में उनके भूतिया बेटे भी मिल जाते हैं। अरे माँ, आप सब कहाँ जा रहे हो और ये हाथ में सामान कैसा? उस भूतिया बुड्ढे ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। तुम तीनों से किराया नहीं दिया गया ना, अब हम कहाँ जाएंगे? तुम तीनों की निकम्मी दुल्हनों की वजह से हुआ है ये। पता नहीं कैसे पांव डाले थे घर में, पहले दिन ही घर लुटवा दिया। अब माँ जी, जो हो गया सो हो गया, आगे चलते हैं, शायद कोई जगह मिल जाए। पूरा भूतिया परिवार 4 घंटे तक भटकता रहता है। फिर उन्हें खाली जगह पर एक खाली ट्रेन का डिब्बा दिखाई देता है, जिसे देख वो कहते हैं, माँ ये ट्रेन का खाली डिब्बा पड़ा है, क्यों ना अब से हम इस ट्रेन को ही ट्रेन घर बना ले। हाँ, और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन ये तो अंदर से बहुत गंदा है, सोने लायक भी नहीं है। माँ जी, हम अभी अंदर से चकाचक कर देंगे। ठीक है, कर दो, जब तक हम लकड़ी वगैरह ले आते हैं, खाना भी तो बनाना होगा। बेटा बहुत भूख लगी है, थोड़े से कोयल चमगादड़ ले आना, बहुत दिनों से उनका सूप नहीं पिया है। ओके माँ। फिर भूतिया बेटे खाने पीने का सामान और लकड़ी इकट्ठा करके ले आते हैं। वहीं तीनों चुड़ैल दुल्हन ट्रेन घर की सफाई करती हैं। घर की सफाई में चुड़ैल शिया को एक चूहा मिलता है, जिसकी पूंछ पकड़कर वो उसे खा जाती है। मजा आ गया, हम दोनों ने देख लिया तुझे चुड़ैल शिया। वो चूहा हमको नहीं बांट सकती थी, हमने जो आज तक तुझे सारे जानवर कीड़े शेयर किए हैं, पर तू नहीं करती। जय जय, मैं नहीं करूंगी कभी भी। फिर से तीनों बहू आपस में लड़ने लगती हैं, तो सास उन्हें चुप करवाती है। कुछ देर में उनका ट्रेन घर साफ हो जाता है, जिसके बाद वो अंदर जाती हैं कि गायत्री चुड़ैल कहती है, माँ जी ये हमारा नया ट्रेन घर है, तो आप हमारा फिर से स्वागत कर दीजिए, क्योंकि हमारी शादी तो अभी मुश्किल से 2 दिन भी नहीं हुए हैं। ठीक है, कर रही हूँ। फिर सास उनके अच्छे से आरती उतार कर, मरे हुए लोगों की भस्म डालकर, हड्डी की माला पहनकर उनका ट्रेन घर में स्वागत करती है। वाह वाह माँ जी, मजा आ भी गयो। ये कौन सी भाषा बोल रही है चुड़ैल दुल्हन? अरे वो सब छोड़िए माँ जी, आप हम तीनों बहू को फिर से स्वागत कर रही हैं। घर के अंदर तो आ गए, आप थोड़ा डांस करके रंग जमा दीजिए। अभी सास के गाल खींचकर गायत्री बहू कहती है, प्लीज माँ जी कर दीजिए ना। ठीक है कर रही हूँ, हाँ उस पर करती हूँ। सलामे इश्क मेरी जाजरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। और बुढ़िया चुड़ैल, हम आजकल की बहुएं हैं, चिकनी चमेली पर करो, ये मुगले आजम नहीं चलेगा, कॉस्ट्यूम भी सेट कर देती हूँ। चुड़ैल बहू अपनी सास को आइटम कपड़े पहना देती है। अच्छा ठीक है, आई चिकनी चमेली चुपके अकेली पौवा चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली चुपके अकेली पौवा चढ़ा के आई। बस बहू अब ठीक हो गया ना तुम्हारा ट्रेन घर में स्वागत? माँ जी हो गया, आपके लिए एक चीज तो बनती है। तीनों चुड़ैल बहुएं अपनी सास को पुच्ची कर देती हैं, जिससे चुड़ैल सास चिढ़ जाती है। आय हाय, ये चीज मेरे साथ दोबारा मत करना, इस पर सिर्फ तुम्हारे भूतिया ससुर जी का हक था।
सासु माँ रो क्यों रही हैं? हमने कुछ गलत किया क्या? नहीं नहीं, वो बस तुम्हारे भूतिया पापा जी की भी मुझे ऐसे ही गिली गिली चुम्मिया देते थे। इसी बात पर मैंने उन्हें एक चाटा मार दिया था और वो भूतिया लोक से स्वर्ग सिधार गए थे। ओहो हो माँ जी, फिर तो हम बच गए, वरना आप हमें भी मार देती। लगता है तुम आज मुझसे पिटकर ही मानोगी। जाओ खाना खिलाओ। और हाँ, जैसे सुबह लड़ रही थी ऐसे दोबारा लड़ी तो तुम्हें इस ट्रेन घर से बाहर निकाल दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, अब हम फिर कभी नहीं लड़ेंगे। ये देखिए हम में कितना प्यार है। तीनों चुड़ैल बहुएं एक दूसरे के प्यार से गले लग जाती हैं और फिर सास को खाना बनाकर खिलाती हैं, जिसके बाद वो अपने ट्रेन घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।